नागरिकता कानून में बदलाव को लेकर देश भर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच गृह मंत्रालय के सूत्रों ने लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी है। इसमें कहा गया है कि खुद को गुमराह न होने दें और गलत सूचना का शिकार न बने। कुछ सवालों का जवाब देते हुए पूरे मामले पर लोगों को नागरिकता कानून से संबंधित मुद्दों पर जानकारियां भी दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि अपना स्वार्थ साधने वालों के बहकावे में न आते हुए खुद पढ़ें, समझें और फिर इस मामले में अपने विवेक से अपनी राय बनाएं। सवाल नंबर एक, क्या CAA में ही NRC निहित है? जवाब, ऐसा नहीं है। CAA अलग कानून है और NRC एक अलग प्रक्रिया है। CAA संसद में पारित होने के बाद देश भर में लागू हुआ है, जबकि देश के लिए NRC के नियम और प्रक्रिया तय होने अभी बाकी हैं। असम में जो NRC की प्रक्रिया चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और असम समझौते के तहत की गई है। सवाल नंबर दो, क्या भारतीय मुसलमानों को CAA और NRC को लेकर किसी प्रकार परेशान होने की जरूरत है? जवाब, किसी भी धर्म को मानने वाले भारतीय नागरिक को CAA या NRC से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल नंबर तीन, क्या NRC सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही होगा? जवाब, बिल्कुल नहीं। इसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत के सभी नागरिकों के लिए होगा। ये नागरिकों का केवल एक रजिस्टर है जिसमें देश के हर नागरिक को अपना नाम दर्ज कराना होगा। सवाल नंबर चार, क्या NRC में धार्मिक आधार पर लोगों को बाहर रखा जाएगा? जवाब, नहीं। NRC किसी धर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। जब NRC लागू किया जाएगा वो ना तो धर्म के आधार पर लागू किया जाएगा और ना ही उसे धर्म के आधार पर लागू किया जा सकता है। किसी को भी सिर्फ इस आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता कि वो किसी विशेष धर्म को मानने वाला है। सवाल नंबर पाँच, क्या NRC के जरिए मुस्लिमों से भारतीय होने का सबूत मांगा जाएगा? जवाब, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर NRC जैसी कोई औपचारिक पहल अभी शुरू नहीं हुई है। सरकार ने ना तो कोई आधिकारिक ऐलान किया है और ना ही इसके लिए कोई नियम कानून बने हैं। भविष्य में अगर इसे लागू किया जाता है तो ये नहीं समझा जाना चाहिए कि किसी से उसकी भारतीयता का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। NRC को आप एक प्रकार से आधार कार्ड या किसी दूसरे पहचान पत्र जैसी प्रक्रिया मान सकते हैं। नागरिकता के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आपको अपना कोई भी पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज देना होगा, जैसे कि आप आधार कार्ड या मतदाता सूची के लिए देते हैं। सवाल नंबर छह, नागरिकता कैसे दी जाती है? क्या ये प्रक्रिया सरकार के हाथ में होगी? जवाब, नागरिकता नियम 2009 के तहत किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तय की जाएगी। ये नियम नागरिकता कानून 1955 के आधार पर बना है। ये नियम सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। किसी भी व्यक्ति के लिए भारत का नागरिक बनने के 5 तरीके हैं। पहला, जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा, वंश के आधार पर नागरिकता। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। चौथा, देशीयकरण के आधार पर नागरिकता। और पांचवा, भूमि विस्तार के आधार पर नागरिकता। सवाल नंबर सात, जब कभी NRC लागू होगा तो क्या हमें अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अपने माता पिता के जन्म का विवरण उपलब्ध कराना होगा? जवाब, आपको अपने जन्म का विवरण जैसे जन्म की तारीख, महीना, साल और स्थान के बारे में जानकारी देना ही पर्याप्त होगा। अगर आपके पास अपने जन्म का विवरण उपलब्ध नहीं है तो आपको अपने माता पिता के बारे में यही विवरण उपलब्ध कराना होगा। लेकिन कोई भी दस्तावेज माता पिता के द्वारा ही प्रस्तुत करने की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं होगी। जन्म की तारीख और जन्म स्थान से संबंधित कोई भी दस्तावेज जमा कर नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि अभी तक ऐसे स्वीकार्य दस्तावेजों को लेकर निर्णय होना बाकी है। इसके लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, बीमा के पेपर, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जमीन या घर के कागजात या फिर सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों को शामिल करने की संभावना है। इन दस्तावेजों की सूची ज्यादा लंबी होने की गुंजाइश है ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। सवाल नंबर आठ, अगर NRC लागू होता है तो क्या मुझे 1971 से पहले की वंशावली को साबित करना होगा? जवाब, ऐसा नहीं है। 1971 के पहले की वंशावली के लिए आपको किसी भी प्रकार के पहचान पत्र
या माता पिता अथवा पूर्वजों के जन्म प्रमाण पत्र जैसे किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। ये केवल असम एनआरसी के लिए मान्य था, वो भी असम समझौता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर। देश के बाकी हिस्सों के लिए द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003 के तहत एनआरसी की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है। सवाल नंबर 9, अगर पहचान साबित करना इतना ही आसान है तो फिर असम में 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर कैसे हो गए? जवाब, असम की समस्या को पूरे देश के साथ जोड़ना ठीक नहीं। वहां घुसपैठ की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। इसके विरोध में वहां 6 सालों तक आंदोलन चला। इस घुसपैठ की वजह से राजीव गांधी सरकार को 1985 में एक समझौता करना पड़ा था। इसके तहत घुसपैठियों की पहचान करने के लिए 25 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट माना गया, जो एनआरसी का आधार बना। सवाल नंबर 10, क्या एनआरसी के लिए मुश्किल और पुराने दस्तावेज मांगे जाएंगे जिन्हें जुटा पाना मुश्किल होगा? जवाब, पहचान प्रमाणित करने के लिए बहुत सामान्य दस्तावेजों की जरूरत होगी। राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी की घोषणा होती है तो उसके लिए सरकार ऐसे नियम और निर्देश तय करेगी जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। सरकार की ये मंशा नहीं हो सकती कि वो अपने नागरिकों को परेशान करे या किसी को दिक्कत में डाले। सवाल नंबर 11, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और उसके पास संबंधित दस्तावेज नहीं है तो क्या होगा? जवाब, इस मामले में अधिकारी उस व्यक्ति को गवाह लाने की इजाजत देंगे, साथ ही अन्य सबूतों और कम्युनिटी वेरिफिकेशन आदि की इजाजत भी दी जाएगी। एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। किसी भी भारतीय नागरिक को अनुचित परेशानी में नहीं डाला जाएगा। सवाल नंबर 12, भारत में एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, वो गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके पास पहचान का कोई आधार भी नहीं है। ऐसे लोगों का क्या होगा? जवाब, ये सोचना पूरी तरह से ठीक नहीं है। ऐसे लोग किसी न किसी आधार पर वोट तो डालते ही हैं और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। उसी के आधार पर उनकी पहचान स्थापित हो जाएगी। आखिरी और सवाल नंबर 13, क्या एनआरसी किसी ट्रांसजेंडर, नास्तिक, आदिवासी, दलित, महिला और भूमिहीन लोगों को बाहर करता है जिनके पास दस्तावेज नहीं है? जवाब, नहीं। एनआरसी जब भी कभी लागू किया जाएगा इनमें से किसी भी समूह को प्रभावित नहीं करेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।